जॉनी लीवर भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कॉमेडियन जो अपने एकदम हटकर स्टाइल में कॉमेडी करने के अंदाज से हर दिल अजीज बना। हमारे देश का हर सिनेमा प्रेमी जॉनी लीवर और उनकी कॉमेडी को पसंद करता है। एक लंबे वक्त तक जॉनी लीवर ने अकेले बॉलीवुड के कॉमेडी सेगमेंट पर राज किया। किस्सा टीवी पर आज हम जानेंगे महान कॉमेडियन जॉनी लीवर की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से और साथ ही जानेंगे कि कैसे पेन बेचने वाले जॉनी लीवर की बॉलीवुड में एंट्री हुई और फिर कैसे ये इतने बड़े स्टार बने। जॉनी का जन्म 4 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में एक तेलुगु ईसाई परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम था प्रकाश राव जन्मूला, जो हिंदुस्तान लीवर ग्रुप की एक फैक्ट्री में काम करते थे। इनकी माता का नाम कनुनमा जन्मूला था। माँ बाप ने जॉनी को नाम दिया जॉन प्रकाश राव। जी हाँ, जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव है। जॉनी के बचपन के कुछ साल आंध्र प्रदेश में ही गुजरे, लेकिन बचपन से ही इन्होंने अपने परिवार को भयंकर गरीबी में घिरा हुआ देखा था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि 7वीं क्लास के बाद इन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। मजबूरी में इन्हें हैदराबाद के यकुतपुरा इलाके में काम करने भी आना पड़ा था। एक दिन अचानक इनके पिता को खबर मिली कि उनका ट्रांसफर हिंदुस्तान लीवर की मुंबई फैक्ट्री में हो गया है। इनका सारा परिवार मुंबई आ गया और यहाँ के किंग्स सर्कल इलाके में रहने लगा। यहाँ जॉनी लीवर और उनके दूसरे भाइयों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। कभी जॉनी लीवर रेलगाड़ियों में पेन बेचते तो कभी ये सड़क पर डांस करके पैसे जुटाते थे। कभी कहीं जॉनी स्टेज पर दूसरे एक्ट्रेस की नकल उतारा करते थे। जॉनी जब हैदराबाद के यकुतपुरा में थे तभी इन्हें एहसास हो चुका था कि ये लोगों को हंसाने में माहिर हैं। ये शुरू से ही जॉनी वॉकर, महमूद और किशोर कुमार की कॉमेडी को पसंद करते थे और उन्हीं के अंदाज में लोगों को हंसाने की कोशिश भी करते थे। एक दफा एक शो में इन्होंने मशहूर एक्टर दिनेश हिंगू को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा। उन्हें देखकर इनके मन में भी ये कामना जागी कि ये भी इसी तरह स्टैंड अप कॉमेडी करें। इसी दौरान इनकी मुलाकात प्रताप जानी से हुई, जो आगे चलकर इनके मेंटोर बने। प्रताप जानी ने इन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट राम कुमार से मिलवाया। राम कुमार ने इनकी कॉमेडी को काफी निखारा और इनके अंदर विश्वास पैदा किया कि ये भी मिमिक्री कर सकते हैं। फिर एक दिन राम कुमार ने इन्हें दिनेश हिंगू से मिलवाया। दिनेश हिंगू ने पहले खुद काफी देर तक इनकी कॉमेडी देखी और फिर एक स्टेज शो में इन्हें पहली दफा स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका दिया। दर्शकों को इनकी कॉमेडी काफी पसंद आई और यहीं से इनकी गाड़ी चल निकली। जॉन प्रकाश राव के जॉनी लीवर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मुंबई आने के कुछ सालों बाद इनके पिता ने इन्हें भी अपने साथ हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया था। काम के दौरान जॉनी अपने साथ काम करने वालों का मनोरंजन भी किया करते थे। ये अपने साथी कर्मचारियों को कई मशहूर कलाकारों की मिमिक्री करके दिखाते। वहाँ ये इतने मशहूर हुए कि फैक्ट्री में होने वाले फंक्शनों में मनोरंजन के लिए स्टेज पर इन्हें ही बुलाया जाता था। अपने हुनर से ये इतने मशहूर हुए कि हिंदुस्तान लीवर के मजदूरों ने इन्हें जॉन की जगह जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। जब स्टैंड अप कॉमेडी में जॉनी का नाम बनने लगा तो कई मशहूर ऑर्केस्ट्रा ने इन्हें अपने साथ जोड़ लिया। जानी मानी अदाकारा तबस्सुम के टैलेंट हंट तबस्सुम हिट परेड में भी ये हिस्सा बने और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ट्रुप में भी ये शामिल हुए। सन 1982 में तो ये अमिताभ बच्चन के वर्ल्ड टूर में भी शामिल हो गए। इस तरह स्टेज पर जॉनी लीवर एक बहुत बड़ा नाम बन गए। हालांकि फिल्मों में काम मिलने का इन्हें अभी भी इंतजार था। एक दफा एक स्टेज शो में इन पर नजर पड़ी सुनील दत्त साहब की। दत्त साहब को जॉनी लीवर का वो स्टेज शो काफी पसंद आया था और उन्होंने जॉनी को फिल्म दर्द का रिश्ता में कास्ट कर लिया। इसी के साथ ही जॉनी ने अपनी कॉमेडी एल्बम हंसी के हंगामे भी निकाली थी, जिसके लाखों कैसेट्स पूरे देश में बिके थे। इसी दौरान टीवी कमर्शियल्स में भी इन्हें काम मिलना शुरू हो गया था और वहां भी ये अपना नाम बनाते जा रहे थे। गरीबी और फाका कसी में बचपन गुजारने वाले जॉनी लीवर को अब शोहरत मिलनी शुरू हो गई थी और शोहरत के साथ उनके पास पैसा आना भी शुरू हो चुका था।
भले ही 1982 में रिलीज हुई दत्त साहब की दर्द का रिश्ता जॉनी भाई की पहली फिल्म मानी जाती हो, लेकिन अगर इनके करियर पर बारीकी से नजर डालें तो इनकी पहली फिल्म थी तुम पर हम कुर्बान। ये फिल्म बनाई थी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट और एक्ट्रेस तबस्सुम ने। इस फिल्म से तबस्सुम ने अपने बेटे मारूफ गोविल को लॉन्च किया था। जॉनी और तबस्सुम की जान पहचान तबस्सुम हिट परेड नाम के शो के दौरान हो चुकी थी। ये फिल्म भी तबस्सुम दत्त साहब की फिल्म से काफ़ी पहले ही अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग किन्हीं वजहों से बीच में ही रुक गई थी और फिर ये फिल्म सन 1985 में रिलीज हुई थी। इसी वजह से जॉनी लीवर की फिल्मोग्राफी में इनकी पहली फिल्म दर्द का रिश्ता बताई जाती है। जॉनी लीवर का फिल्मी सफर जब शुरू हुआ तो फिर इतना शानदार चला कि जिंदगी में कभी इन्हें पीछे नहीं चलना पड़ा। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। हर साल बॉलीवुड को कोई नया सुपरस्टार मिलता और पुराने का स्टारडम खत्म होता, लेकिन जॉनी लीवर का जलवा सालों तक बरकरार रहा। नए एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहे डायरेक्टर फिल्म को हिट कराने के लिए जॉनी को फिल्म का हिस्सा जरूर बनाते थे। जॉनी के लिए फिल्मों में स्पेशल और अलग से किरदार लिखे जाने लगे। बाजीगर फिल्म भले ही शाहरुख खान की वजह से मशहूर रही हो, लेकिन अपने सीन्स में जॉनी ने दर्शकों का जो मनोरंजन किया उसके सामने शाहरुख भी फीके ही नजर आए। जॉनी लीवर ने केवल हिंदी ही नहीं, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। एक वक्त वो भी था जब हर साल जॉनी लीवर की 10 से 12 फिल्में रिलीज होती थी। काम इतना ज्यादा था कि इन्हें होश लेने की भी फुर्सत नहीं थी। 2007 में जॉनी लीवर पर एक अलग से टीवी शो भी बना। इस शो का नाम था जॉनी आलारे। ये शो जी टीवी पर आता था। कई रियलिटी शोज में ये बतौर जज भी नजर आए। इनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, इनकी शानदार एक्टिंग स्किल्स और इनके लाजवाब फेशियल एक्सप्रेशन ही वास्तव में इनकी कामयाबी के कुंजी बने। जॉनी लीवर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुजाता है। इनके दो बच्चे हैं, बेटी जेमी जो इनकी तरह ही कॉमेडियन है और बेटा जेसी जो अभी पढ़ाई कर रहा है। इनके एक भाई जिमी मोसेस भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। 80 के उस दशक में जब ये मान लिया गया था कि फिल्मों से कॉमेडियन अब गायब होना शुरू हो गए हैं और हीरो ही कॉमेडी करता हुआ नजर आने वाला है, तब जॉनी लीवर ने इस ख्याल को पूरी तरह से खारिज किया और अपनी बेमिसाल अदाकारी से सालों तक बॉलीवुड में अपना डंका बजाया। सही मायनों में जॉनी लीवर ने बॉलीवुड में कॉमेडियंस की पोजीशन को और ज्यादा मजबूत किया। भारतीय सिनेमा में इन्होंने जो योगदान किया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। हिस्सा टीवी और उसके सभी दर्शकों की तरफ से जॉनी लीवर को एक बड़ा वाला सैल्यूट।